नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और अभी हम उदयपुर के एक जाने मानी अजीम शख्सियत के पास आए हैं मिलने, उनसे मुखातिब होने और उनका हम परिचय दें। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं अभी जिस जगह में बैठा हूँ उसके लिए कहते हैं कि भाई जो एक तरह से एक हॉस्पिटल है। अब आप सोच रहे होंगे घर और हॉस्पिटल कैसे हो सकता है, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन है। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी सोनी साहब बैठे हुए हैं और इनके घर अभी हम आए हुए हैं। ये उदयपुर नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ के जाने माने चित्रकार हैं और उनकी जो पेंटिंग है कितनी अहमियत और कितनी उनकी कारीगरी है। आप इस तरफ जो भगवान की प्रतिमा है उस पर आप नज़रें इनायत कर सकते हैं और देखेंगे तो आपको जब प्रतिमा की तरफ आपकी नज़रें घड़ाएँगे तो आप देखेंगे कि वाकई प्रभु के मंदिर में बैठे हुए हैं। और ख़ास बात ये है कि ये वो जगह हैं जहाँ पेंटिंग जब बीमार हो जाती हैं, कोई भी चित्रकला या चित्रकार की बनाई हुई कृति जब बीमार हो जाती हैं तो दूर दराज से इसी जगह आती हैं। और साहब जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, सर जो हैं वो इन पेंटिंग को सुधारने का यानी एक डॉक्टर की तरह आज मैं न केवल एक कलाकार से मुखातिब हो रहा हूँ बल्कि ये कला के एक डॉक्टर भी हैं जो जब पेंटिंग बिगड़ जाती हैं तो सर जो हैं उनको सुधारते करीबन 40 से 50 7,000 से भी ज़्यादा सर ने जो है पेंटिंगों को सुधारने का नया रिनोवेशन काम किया है। उस पर उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। तो सर की जो भूमिका है वो मैं थोड़ा सा बांधूँ, उससे पहले आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे जो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, केसरिया जी का फ़ोटो है। और जब आप उस फोटो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रतिमा है इस पर कोई सोने की परत चढ़ा रहा है, ना कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रतिमा पेंटिंग कोई बना रहा है, बल्कि ऐसा लगेगा कि उस पर कोई सुनहार है, वो उस पर सोने की परत चढ़ा रहे हैं। तो आप जो अभी स्क्रीन पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, अभी चलते हैं सर के पास में और इनसे जानेंगे कि इनकी जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और इनका पूरा एक जीवन है वो इस 37 साल की जो यात्रा है इसमें कौन से पड़ाव हैं और उनकी इस कला के पीछे क्या राज हैं, रहस्य छुपे हुए हैं उनसे। सर आज सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपडेट्स में। जी सर, कितने सालों से आप ये अनोखी जो चित्रकला आप कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मेरे को लगभग 37 साल हो गए ये कार्य करते हुए और बचपन में जब मैं छोटा था 8 साल की उम्र से ये कार्य कर रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे स्केच कर करके देते थे, हाथी के, घोड़े के, गणेश जी के, ऊँट के, फिर मैं वैसे के वैसे उनको बनाने की कोशिशें करता था और उनसे मैंने ये ड्राइंग करना तो मैंने उनसे सीखा था। फिर मेरे गुरुजी हैं रमेश जी सोनी जो अभी बिजुला बिरासते हैं, उनके पास मैं, यहाँ उदयपुर रहते थे पहले वो, तो उनके पास ये ज्ञान लेने के लिए आया था और 5 साल उनके सानिध्य में रह के और मैंने भारतीय मिनीचर शैली जिसको लघु चित्र शैली कहा जाता है, परंपरा से जो पारंपरिक शैली है अपनी, उसका ज्ञान प्राप्त उन्हीं से किया था मैंने और उनके सानिध्य में 5 साल रह के ये सारी जानकारियाँ मैंने ली और आज तक ये कार्यक्रम चल रहा है। फिर उसमें धीरे धीरे सीखने की भावना थी मेरी, तो जहाँ भी कोई जानकारी मिलती, कोई म्यूजियम देखना हो, कोई पेंटिंग, अच्छा कोई कलाकार हो उससे कुछ सीखने को मिल सकता हो तो उसके पास जाना, म्यूजियम देखना, पेंटिंगों का अध्ययन करना, किताबों का, पेंटिंग से संबंधित जो पुस्तकें आती थी उनको पढ़ना, देखना, उनके कलरों की, रंगों की जानकारी लेना, ये सब मैंने उनसे प्राप्त किया जो आज तक अनवरत चल रहा है ये कार्यक्रम मेरा। और रही बात ये तेल चित्रों की, ऑयल के जो चित्र, जैसे ये बना हुआ जगदीश जी का, ये मैंने खुद ने डेवलप किया। अच्छा, इसके लिए मैं किसी के पास ज्ञान लेने के लिए नहीं गया, मैंने खुद ने डेवलप किया और धीरे धीरे आज जो भी ये कार्य कर, जैसा भी है ये कार्य, ये आज तक ये इसको धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति के और
सीखने के हिसाब से करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, जो अभी भी सीखने के हिसाब से ही कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर। आपका नाम ओम प्रकाश जी हैं, जी जी, आगे का नाम ओम और इधर जगदीश। जब हम ये कला देखते हैं तो ओम और जगदीश का ऐसा लगता है कि जैसे मिलन हो रहा है। वो तो उनका आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, माताश्वरी का आशीर्वाद है, उनका भी चित्र बनाया मैंने, और सभी लोगों का, सभी मेरे शुभ चिंतक है, वो भी मेरे मुझे चाहते हैं, मेरे मुझे प्रेरित करते रहते हैं, नई नई जानकारियाँ उनसे भी प्राप्त हुई, बहुत सारे अनेक लोगों से सीखने को मुझे मिला। रेस्टोरेशन का जहाँ आपने शुरू में प्रारंभ बताया जीर्णोद्वार का, तो मेरे पास 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 700 साल पुरानी, 300 साल पुरानी सभी स्कूल की पेंटिंग है, जो भारत के जो लघु चित्र शैली में जितने भी स्कूल हैं, जैसे मुगल से लेकर कांगड़ा से ले, कांगड़ा, मुगल, देवगढ़, मेवाड़, जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, बसोली, जितने भी शैलियाँ, दक्कन, हैदराबाद, जितने भी शैलियाँ हैं, सभी शैलियों की पेंट के चित्र मेरे पास आए, और उनका मैंने जो किसी कारणवश मौसम के प्रभाव से, रख रखाव के अभाव से कट गए, फट गए, टूट गए, कलर खराब हो गए, उनका सबका मैंने पुरानी पद्धति से ही वापस जीर्णोद्वार किया। ये मेरी सर, अमूमन हम देखते हैं किसी के घरों में जी, तो उसमें संग्रहण होता है, तो ऐसी नवीन चीज़ों का संग्रहण होता है जो ट्रेंड में चल रही हो जी, जिसके भौतिकतावाद में उलझी हुई जो चीज़ें हैं, जिसकी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है, उसका संग्रहण करते हैं। लेकिन मैं यहाँ से जितने भी जो रूम देखे हैं, आपका मकान देखा है, चाहे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर पे पेंटिंग लगी हुई, तो आपने इस पूरे आपके मकान को संग्रहालय बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये तो शुरू से, बचपन से लेकर आज तक हेरिटेज के प्रति या पुरातत्व के प्रति मेरा रुझान रहा है, शुरू से ही, बचपन से ही रहा है, और बचपन से ही ये मन में भावना तो थी कि कभी कोई अच्छी चीज़ों का संग्रह किया जाएगा, तो अपने भारत की पुरातन संस्कृति है, पुरातन कला के कुछ नए नए कला के जो प्रतीक चिन्ह है या जिससे पहचान होती है अपने भारत की, भारत की संस्कृति की, तो उन चीज़ों का संग्रह करने का मेरा शुरू से ही शौक रहा है, और पुरातत्व के प्रति शुरू से ही रहा है, मेरी रुझान रहा है, पढ़ने से लेकर आज तक मेरे पास खूब सारी पुस्तकें भी हैं पुरातत्व से संबंधित, उनका भी अध्ययन मैंने किया, ये सब स्वाध्यायी रूप से किया मैंने, तो वो है, इस वजह से है ये। सर, इन सारी जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, कभी अगर ऐसा इनको कभी ऐसा बेचने वगैरह का काम आप, मतलब जैसे किसी को पसंद आ गई, कोई यहाँ देखने आया, तो इस तरह आपने कभी किया नहीं? नहीं किया, किया। चित्र खूब बेचे हैं मैंने लोगों के, बहुत सारे आर्ट गैलरी में भी लगे हुए हैं, म्यूजियम में भी लगे हुए हैं, बहुत सारे कलेक्टर के घरों में भी है, आर्ट गैलरी वाले भी खरीदते हैं, विदेशी भी खरीद के ले जाते थे, तो ये तो बिजनेस भी यही था मेरा, बिल्कुल इसी से ये डेवलप किया सारा। जी। पांच पेंटिंगें बनाई तो उसमें से दो बेची, तीन रखी, इस तरह से कुछ संग्रह भी हो गया और काम भी चलता रहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पुराने चित्रों पर एक डॉक्टर की तरह काम करते हैं, उनको वापस जीवित करने का एक नया काम करते हैं, तो आप जब पुरानी पेंटिंग को सुधारने का काम करते हैं, और एक आप एक पेंटर की भूमिका और डॉक्टर की भूमिका, आप उस पल को कैसे फील करते हैं, क्या आप सोचते हैं? नहीं, हमारे भारत की जो कला संस्कृति है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, उनके प्रति मेरा शुरू से लगाव रहा है, तो वो कोई पेंटिंग खराब हो जाती है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई पिछवाई खराब हो जाती है, कोई कलाकृति खराब होती है, तो उसको उसकी तकलीफ होती है, कोई ये इतनी कीमती, इतनी पुरानी और ये हमारे देश की धरोहर है, विरासत है, विदेशी लोग इनकी कदर करते हैं, हम भारत के लोगों के इनकी कदर नहीं करते, तो उनको सुधारने का जो एक काम होता है कि इनको वापस पूर्ववत रूप में लाया जाए, तो उनका जीर्णोद्वार करने का एक अलग चार्म होता है, एक अलग उसका फीलिंग भी होती है, महसूस भी होता है, उसमें रश भी आता है थोड़ा सा, तो ये तो शौक का काम भी है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। और दूसरा ये है कि वो जिस पद्धति से बनी हुई थी, जो उनमें कलर रंग लगे हुए थे,
जिस तरह से रंग तैयार होते थे उसी तरह से तैयार करके उनको करने का एक एक अलग, कुछ मैं नया कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ अलग हटके कर रहा हूँ, ये मेरे को प्रसन्नता होती है। तो ये शौक का काम भी है। बिल्कुल। अभी इस जो पूरा सर का बंगला है, घर है, मैं तो इसको घर नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक आम आदमी के लिए ये संग्रहालय हो सकता है, लेकिन एक कलाकार के लिए एक मंदिर है, जिसमें आप चारों तरफ देखेंगे तो हर रूप में कला विद्यमान है, कला की यहाँ कद्र है। तो इतनी बड़ी अच्छी चीज़ों, अच्छी जगह हम आए हैं, तो न केवल हम आए हैं, सर ने, सर अभी हम बताएंगे सर कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जब भाजपा में महामंत्री महामंत्री हुआ करते थे, सब नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नामचीन जो व्यक्ति हैं वो यहाँ तक आए हैं। तो सर अभी तक कौन कौन सर आए हैं? अभी बहुत सारे लोग आए, उनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने लोग आए हैं। गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिलीप भाई पारेख आए थे, उन्होंने भी सरा, और गजेंद्र सिंह जी सकतावत भी आए हैं, वासुदेव देवनानी भी पधारे हुए हैं, कलाकारों में अमित भाई अम्बालाल वो भी आए थे, अनिल भाई रेलिया भी आए हुए हैं, अनेक लोग। श्री जी से हमारे बिल्कुल अच्छे संबंध है, उनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हुआ अरविंद सिंह जी से, और उनके और हमारे, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित भी किया, उनका तो हमारे ऊपर बहुत पूरा पूरा आशीर्वाद भी है। और बड़े बड़े कलाकार भी हैं, बी एन गोस्वामी साहब भी पधारे हुए हैं, जो जिन्होंने आर्ट बैन की किताब पुस्तकें लिखी है, उषा भाटिया जी भी आए हुए हैं जिन्होंने देवगढ़ पे, किशनगढ़ पे फोल्डर निकाले थे, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके नाम की लिस्ट बहुत लंबी है। सर एक प्रश्न ये है कि एक कलाकार चित्रकार के मन में एक नयापन करने की जो शुरुआत होती है कि मैं ऐसा चित्र बनाऊं, एक संगीतकार होता है वो एक ऐसा सुर लगाना चाहता है जो उसके जीवन में अद्भुत हो, एक कलाकार चाहता है कि उसके जीवन में ऐसी पेंटिंग बने कि उसकी सब जगह तारीफ हो, उसकी सब जगह उसकी अहमियत समझी जाए। या तो सर ये जो शुरुआत होती है एक कलाकार के मन में एक नया करने की, वो शुरुआत होती कहाँ से? सर आपको पहली बार कब लगा कि आप एक अच्छा कलाकार बनने की ओर अग्रसर हैं और आप बन चुके हैं, मतलब आपकी तारीफ, जो जिस तारीफ की आप चाह रखते हैं वो तारीफ पूरी हो चुकी है, पहली बार कब लगा? नहीं, ऐसा तो अभी तक भी नहीं लगा। कलाकार तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, कला इतनी असीम है, अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है। कोई एक मैं परिपूर्ण हो गया तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकता, तो वो कलाकार नहीं, वो कलाकार आगे बढ़ ही नहीं सकता। भी कलाकार तो है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है, सभी कलाओं में ले लो, संगीत कला ले लो, मूर्ति कला ले लो, चाहे जैसी भी कला ले लो, उसका कोई अंत ही नहीं है। जितना सीखो उतना ही कम, एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कहूँगा मैं पर पूर्ण हो गया तो नहीं, मेरे से बड़े बड़े बैठे हुए हैं, खूब काम करने वाले लोग हैं, इतना अच्छा काम करके गए जिनकी आज तक प्रशंसा हो रही है। आप देखो भारतीय लघु चित्र शैली की विशेषताएं ये ऐसी है कि उन्होंने ऋतुओं पे चित्र बनाए, संगीत पे 12 महीनों के 12 महीने के चित्र बनाए, ऋतुओं के चित्र बनाए, रागमाला के चित्र बनाए, राग काव्य की रचना करने वाले कवि, राग बनाने वाले, राग गाने वाले संगीतकार, वो भी, पर उनके चित्र भी बनाए कलाकारों ने, और चित्र भी इतने आज तक वो उनकी प्रशंसा होती है। सभी शैलियों में चित्र बने, भागवत पुराण पे या आख्या प्रेम आख्यान पे या वीर रस पे, इन पे तो बने ही हैं, लेकिन रागमाला पे चित्र बने, बारह मास पे चित्र बने, ऋतुओं के चित्र बने, त्योहारों के चित्र बने, इतने चित्र बने, और सभी पूरे भारत में सभी शैलियों में चित्र बने। अब भारत की कला कितनी महान थी, कितनी विस्तृत, उन कलाकारों का की कल्पनाएं कितनी ऊंची थी, कल्पित भावों को चित्रों में उतारना बहुत बड़ी बात थी। और आज जब कोई साधन नहीं थे, सब कुछ, ये कैमरे, ये टीवी, ये प्रेस, ये प्रिंट, ये तो अब आए हैं, उस समय तो उन्होंने सबने स्वाध्यायी रूप से स्केच करके, ड्राइंग करके, कल्पनाएं करके, रंग खुद तैयार करते, कागज खुद तैयार करते, और वो कितने महान थे वो कलाकार। अपन तो अपने को तो सब जमा जमाया मिल रहा है,
उसके बावजूद भी वो उनकी कला को अभी तक नहीं छुपा गया। सर, ओम जी सोनी साहब का बचपन कहाँ बीता और बचपन से शुरुआत आपकी जो है बिजोलिया से हुई है? जी जी, बिजोलिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, तो उसके बारे में बताएं और आपके बचपन में किस तरह से आप कला के प्रति आपका रुझान था उस बारे में। जी, बचपन से ही मुझे कलाकृतियों का शौक था। हमारे बिजोलिया का राजमहल है जिसका द्वार बहुत ही सुंदर बना हुआ है, उसको मैं देखने के लिए जाता था, वहाँ की छतरियाँ देखता था, उनके घोखड़े देखता था, अंदर भित्ति चित्र बने हुए वो भी देखने के लिए जाता था। उस परिवार से, राज परिवार से थे हमारे संबंध शुरू से ही थे। मेरे पिताजी राज सोनी थे, हमारा परिवार शुरू से ही। और वहाँ मंदाकिनी के मंदिर हैं, 11वीं शताब्दी के चौहान शासकों के बनाए हुए हैं, उनमें कलात्मक मूर्तियाँ लगी हुई है और मूर्तियों को देखते थे, उन मूर्तियों को भी ड्राइंग करता था मैं। और बिजोलिया के आसपास बहुत सारे ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, उन सबको देखने के लिए जाते थे, पढ़ते थे। तब भी छुट्टी होती तब वहाँ किताब लेके, परीक्षाओं के टाइम पे वहाँ किताब लेके वहाँ पहुँच जाते, मंदाकिनी के मंदिर वहाँ बैठ के एकांत रहता था, वहीं बैठ के अध्ययन भी करते थे और उनको भी देखते थे। शुरू से ये शौक रहा मेरा। और मेरे पिताजी ड्राइंग का काम करते थे, उनसे ड्राइंग मैंने सीखी और रंगों की जानकारी और शैलियों की जानकारी, लघु चित्र शैली की जानकारी मेरे गुरुजी रमेश जी से मुझे प्राप्त हुई। सर, अभी तक आपकी जो इस कला है उस कला पर कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में बताएं जी। मुझे अक्षय लोकजन का भोपाल जयंती का कार्यक्रम हुआ उसमें मिला, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का प्रशस्ति पत्र मिला, और नेशनल स्तर का कालिदास अवार्ड है वो भी मुझे प्राप्त हुआ, दिवेर का भी प्राप्त हुआ, और अनेक ऐसे तो अनेक मिले हैं मुझे, 20-50 के लगभग मिले होंगे, छोटे बड़े सब मिला के। और सर, ये मिले सारे आप मिले पर एक किताब भी लिखी गई है, वो आपकी आपके ऊपर जो लिखी हुई किताब है उसके बारे में बताएं। वो मेरे एग्जीबिशन हुई थी अहमदाबाद में, तो जिन्होंने एम एफ हुसैन पे जो पुस्तक निकाली थी गजगामिनी, अनिल जी रेलिया ने, उन्होंने मेरी वो एक पुस्तक निकाली, उन्होंने वो सारा किया, उसमें मेरे सारे चित्र, मेरा जीवन परिचय, जो जो मुझे प्राप्त हुआ वो, रेस्टोरेशन वर्क का काम और पुराने नए चित्रों के जो रेस्टोर किए हुए थे और जो पहले वाली स्थिति थी बाद वाली स्थिति उनके कुछ चित्र और जो जो अचीवमेंट हुए थे मेरे, उन सब का वर्णन उस पुस्तक में है और वो है मेरे पास पुस्तक। ऐसी कोई आप पुराने जो चित्र हैं जिनको आप सुधारते हैं, नया बनाते हैं, उसमें वापस जान फूंकते हैं, जी जी जी, उनमें ऐसी कोई पेंटिंग जिसको आपने उसमें जान फूंकी हो, उसमें समय लगा हुआ हो, आप उसमें उलझे हुए हो और उसके बाद आपने वो काम पूरा किया हुआ और फिर आपको वो अनुभूति हुई हो कि आज मैंने वाकई मेरी जिंदगी का जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य, ऐसी कोई यादें आपके साथ मिली? नहीं, मैंने खूब करीब 7,000 से भी ज़्यादा चित्र मैंने उनका जीर्णोद्वार किया है, उनको पूर्वत स्थिति में लाया हूँ, जिसमें तेल चित्र भी हैं, वाटर कलर के चित्र भी हैं, शैली वाले लघु चित्र शैली के, सभी शैलियों के, और पिछवाइयाँ भी हैं, रवि वर्मा के चित्र भी हैं जिसमें, उनको भी मैंने रेस्टोर किया है, दो चित्र रवि वर्मा के भी, 2-3 चित्र किए रवि वर्मा के भी रेस्टोर मैंने, और नायाब से नायाब जो बेसकीमती चित्र हैं, कोई 300-400 साल पुराना, उनको भी रेस्टोर किया मैंने, और उनके पहले वाले और बाद वाले, जो पहले जिस स्थिति में मेरे पास आए थे वो, और बाद वाली स्थिति के चित्र भी मेरे पास हैं अभी उनके, तो ये तो खुशी की तो बात है ही जी। सर, पिछवाई आर्ट में और आपकी कला में, आपका जो रियल आर्ट है उसमें और पिछवाई में कितना डिफरेंट है और कैसे अलग अपन इसको मान सकते हैं और अलग कैसे? वास्तविक चित्र उनको कहते हैं जो कोई भी चित्र देख के या स्मारक देख के, स्थल देख के रियल टाइम में, तो वो उसको वास्तविक रूप में चित्रण करना, जो वैसा का वैसा ही बनाना, हूबहू बनाना, उसको तो वास्तविक चित्रण कहते हैं। और रही बात मिनीचर के, लघु चित्र शैली के, पिछवाइयों के चित्र, ये कल्पना के आधार पर बनते हैं, आर्टिस्ट की कोई कल्पना होती है, सोच होती है, जैसे रागमाला के चित्र हैं, बालामासी के चित्र हैं, राधा कृष्ण के चित्र हैं, भागवत पुराण के चित्र हैं, या किसी कथानक को सुनकर उसके आधार पे जो चित्रण किया जाता है, रासलीला हो चाहे शरद की पिछवाई हो
या राधाकृष्ण के जो भी चित्र हों या भागवत पुराण के हों, भगवान के चित्र हों जो मिनीचर में बनते हैं, लघु चित्र शैल में बनते हैं, पिछवाइयों में बनते हैं, वो सब आर्टिस्ट की बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी कल्पना, उसको वो साकार करता उतारता है अपने माध्यम पे, चाहे पिछवाई बनाओ चाहे कागज पे बनाओ, वो फर्क है इनमें, वो कल्पना के आधार पे है सारी। और उसमें चित्रकार का पूरा मन की भावनाएं, उनके विचार, उसका ज्ञान, वो सब उनमें नजर आता है। और ये भारतीय संस्कृति की अपने पुरातन संस्कृति, ये धरोहर कह दो, जो भी कह दो, लघु चित्र शैली में ही नजर आती है, चाहे वो पिछवाई चित्रण हो, चाहे पेपर पे बनती हो, चाहे भित्ति चित्र हो। सर, युवा पीढ़ी को आप, जो युवा पीढ़ी है हमारे जो अभी लाइव देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को, अगर वो उनके मन में अगर ऐसा संशय आता है कि मैं भी चित्रकार बनना चाहता हूँ या आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे और क्या रास्ता है, मेरी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, भाई आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और कला का क्षेत्र तो इतना असीम है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे मिनीचर में हो, चाहे वास्तविक चित्र में हो, चाहे तेल चित्र में हो, चाहे पिछवाइयों में हो, जो भी बनाना चाहो, लेकिन उसमें एक विधा को पकड़ के पहले उसमें पूरी पारंगतता हासिल कर लो, उसमें गहराई से उतरो, उसके लिए समय दो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, ये संदेश है। तो सर के मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, अगर आप सर से संपर्क करना चाहें, कोई कला प्रेमी हैं, अन्यथा टाइम पास या फिर फालतू परेशान करने वाले मैसेज आप ना करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के नंबर हैं, कोई कलाकार सर से जुड़ना चाहें तो डायरेक्ट फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। और द उदयपुर अपडेट्स में ऐसे ही रोचक और चोचक हम वीडियो लेकर आते हैं और ऐसे ही कलाकारों से हम आपको रूबरू करवाते हैं, ये हमारा एक दायित्व है और हम इस काम के प्रति कृत संकल्पित हैं और आगे भी बने रहेंगे। मुझे और योगेश सुखवाल को दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।